मैं एक बाइकर हूँ, और वो क्या है ना कि बाइकर्स थोड़े अलग ही होते हैं। हम लोग थोड़े एक्सेंट्रिक, थोड़े पागल होते हैं। बाइकिंग मेक्स यू वन विद द एलिमेंट्स, ये कह कह के कार वालों का खूब मजाक उड़ाया है। कोई नहीं, चलता है, वो दोस्त ही हैं हमारे, बस दो पहिए ज्यादा ही तो हैं। तो क्या कोई कार ऐसी है जो मुझे खुश कर पाए? अरे यार, सुपर कार्स नहीं, जेब देख के बात कर रहा हूं। 1 करोड़ की कार लेने के लिए पैसे नहीं है भाई। अगर अफोर्ड भी कर लोगे तो क्या उसको कीचड़, मिट्टी और बिना टेंशन के कहीं भी ले जाओगे? बट यार, मुझे कम्यूटर कार्स भी पसंद नहीं है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक जरूर है मेरे पास, बट कोई ऐसी कार की तलाश है जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे और जहां मैं जाऊं वो वहां जा पाए, यू नो, वॉन्डर एट विल। सच बोलूं तो आज तक मुझे कोई भी कार पसंद नहीं आई, स्पेशली इंडियन मेड, और ना किसी कार ने मुझे इमोशनली स्टर करा है। मतलब सब ठीक है, क्लिनिकली परफेक्ट कार्स हैं, बट वो जो एटीट्यूड है, जो कैरेक्टर चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। रौबदार, सुंदर, टफ, झकास, मतलब कोई ऐसी कार जिसपे मैं 1 5-star होटल के पॉर्च पे भी उतर सकूं और जिसे बारिश में बिना सोच के ले जाऊं कहीं पर भी। मस्कुलर हो, फुल ऑन एटीट्यूड, मतलब समझ रहे हो ना। थार के बारे में मुझे पता था, आई मीन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी अ पेट्रोल हेड इन इंडिया एंड नॉट टू नो और हैव टू सीन अ थार इन योर लाइफ। इट हैड बिकम अ कल्ट, अ लाइफस्टाइल। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बड़ी गाड़ी वाले, पैसे वाले, उन लोगों के पास भी थार होती है। कहते हैं कि 4x4 ऑफ रोडिंग की दुनिया अलग ही होती है। मैं उस दुनिया से बहुत दूर हूं। मेरी दुनिया में सुपर कार्स एंड सुपर बाइक्स हैं, गैजेट्स हैं। हाउएवर, थार एक ऐसी कार है जो एक ऑडी और BMW वाला भी उतनी ही एडमिरेशन के साथ देखता है जैसे कि इंडिया के हर एक गांव में उसे देखते हैं। This is perhaps the only car which bridges the gap between the rich urban, the middle class and the rural villages. और ये बहुत ही अद्भुत चीज है। ऐसी चीज आप प्लान करके नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होती है और होने में सालों लग जाते हैं। 15th August 2020, मैं वही अपनी दुनिया में खोया हुआ था, फास्ट बाइक्स, सुपर कार्स। फिर महिंद्रा ने एक बॉम्ब, मतलब क्या ही बोलूं मैं, अब तक थार मेरे पेरिफेरल विजन में ही थी और एकदम से द न्यू थार बिकेम दिस इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। भाई साहब, मतलब दिमाग ही आउट कर दिया। आई हैव नेवर फेल्ट अ डिजायर टू ओन अ कार लाइक दिस एक्सेप्ट द लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और द BMW X6M, बट ये इसको मैं हासिल कर सकता हूं। दिस इज विद इन माई रीच विदाउट ब्रेकिंग द बैंक एंड दिस कार विल एलिवेट एंड कॉम्प्लीमेंट माई पर्सनैलिटी। महिंद्रा, स्लो क्लैप, यू हैव ब्यूटिफुली टेकन अ कल्ट एंड मेड इट इवन मोर ब्यूटिफुल एंड डिजायरेबल फॉर द अर्बन मिलेनियल्स। 150 BHP, इनसेन टॉर्क, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग, बिग टच स्क्रीन, सारे क्रीचर कंफर्ट्स, क्या बात है। एंड लुक्स उसके बारे में तो क्या ही बोलूं। इन 3 दिनों में आधी जनता रोड पे इसको देख के पागल ही हो गई। ऐसा तो एक एक्सपेंसिव लग्जरी कार में भी नहीं होता, शायद इसलिए क्योंकि दिस कार इज अप्रोचेबल एंड द पर्सन इनसाइड जो ड्राइव कर रहा है कार को इज डीम्ड टू हैव अ सर्टन प्लीजिंग नो नॉनसेंस पर्सनैलिटी that embraces a free independent spirit of the Thar itself. Urban roads pe it has tremendous presence, especially the hard top. Aur village mein le jao to kya hi bolun, pura village hi mano dost ban gaya ho.
गाय और भैंस भी, दे फील क्लोज टू इट। मतलब कितने सालों से ये सब लोग थार का लुत्फ उठाते आ रहे हैं इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो दोस्तों, अगर तुम्हें टेक्निकल रिव्यू चाहिए तो इंटरनेट में हजारों देवी और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स आलाप करते हुए मिल जाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ इसकी सुंदरता और इसकी तस्वीरें दिखा सकता हूं और अपनी दिल की बात बता सकता हूं एज अ बाइकर। ये तेज भी भागती है और झटके भी खाती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो मेरे अंदर का एक बाइकर है, ये उसको अपील करती है। मतलब कसम से, इस देश में ऐसी कार कोई नहीं है। अगर तुम्हारे पास 30 लाख रुपए हैं तो एक सुपर बाइक लो और एक थार, बाकी दुनिया तुम्हारे कदमों पे। समझे दोस्त?